फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वक्त जो आप देख रहे हो, मैं हूँ अपने मायके यानी दिल्ली, और अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी आउटिंग करने के लिए। पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड है, वो मेरी भाभी है, ये मेरी बेटी है, और ये नन्हा सा मेरा भतीजा है। ये हमारे घर की पार्किंग है और मेरे बड़े भाई अभी कार बाहर निकाल रहे हैं, और ये हमारी प्यारी बड़ी भाभी। इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये है मेरे हस्बैंड, वो है मेरी मम्मा। अरे बस हमारी कार बाहर निकल चुकी है और हम जा रहे हैं, अब आपसे मिलते हैं रास्ते में। और ये है मेरा छोटा भाई सैम। और दोस्तों, अब हम ये खड़े हुए हैं शेख सराय की रेड लाइट पे। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यार। जो सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये है चिराग दिल्ली का फ्लाईओवर। फाइनली हम इस ट्रैफिक से बाहर आ चुके हैं। इतनी गर्मी है यहाँ पे, अब थोड़ी सी हवा भी आ रही है। अब हम जा रहे हैं सीटी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने इंडिया गेट पे, और सामने ही दिख रहा है इंडिया गेट। एक्चुअली जो टाइमिंग है, ये 3:30 बजे की टाइमिंग है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में अक्सर बारिश हो रही है, तो मौसम भी ठीक था, उमस थी पर मौसम ठीक था, तो इंडिया गेट बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो सामने आप देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में दिखने में बहुत प्यारा लगता है, इसका स्ट्रक्चर भी अमेजिंग है। देख सकते हैं आप कि वीकेंड का टाइम है, तो रोड पे अभी कितनी गाड़ियां हैं। एक्चुअली वीकेंड के टाइम पे सब निकल पड़ते हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने के लिए। और ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। एक्चुअली मैं इतने दिनों के बाद दिल्ली आ रही हूँ ना, मतलब इतने दिनों के बाद दिल्ली को देखो, तो फिर से सब कुछ इतना नया नया से लगने लगता है। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। और ये है मेरे बड़े भैया, जो अभी कार ड्राइव कर रहे हैं। पहले तो चाबी ढूंढो, लॉकर में सामान निकालो, सामान चेंज करो। हम लोगों ने काफी एंजॉय किया, घंटे कम थोड़ी होगी, पर अब ना सच बताऊं तो सामान अब बदल। और यहाँ कार में दोनों बच्चे सो चुके थे, पर मेरा भतीजा अभी उठा है। और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं सीपी। दोस्तों, सीपी को ना हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है, मतलब कि अगर आप दिल्ली आए थे और सीपी ना आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ये कमर्शियल पर्पज़ से, बिजनेस पर्पज़ से जो है, ये दिल्ली की जान है। ये यहाँ पे आपको लगभग सारे बड़े ब्रांड्स मिल जाएंगे, बार्स, रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको सब मिलेगा। और पास में इसके पालिका बाज़ार भी है, जिनको स्ट्रीट मार्केटिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीपी में आए हैं आर्डोर 2.1 में। यहाँ पे जो है स्पेशल थालीज आती है कई सारी, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा फेमस है बाहुबली थाली। एक्चुअली हम कब से प्लान कर रहे थे, मेरे भैया कब से बोल रहे थे कि हमें एक बार चलना है, वहाँ चल के देखना है, हमें वहाँ जाके देखना है कि कैसा होता है, थाली वगैरह इंजॉय करनी है। और फाइनली वो आज हो पाया था, तो आज हम निकले थे अपनी बाहुबली थाली के लिए। और क्योंकि वीकेंड का दिन था दोस्तों, सब लोग निकले हुए थे आउटिंग के लिए, तो बिल्कुल भी पार्किंग में स्पेस नहीं था कार पार्क करने का। उसके लिए फिर हमें थोड़ा आगे जाके एक दूसरी पार्किंग थी, वो भी पूरी भरी हुई थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो एक कार वहाँ से निकल रही थी, तो हमने वहाँ पे अपनी कार को पार्क कर लिया था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली सीपी में तो भीड़ हमेशा होती ही है, पर वीकेंड, खासकर वीकेंड के दिनों में ना सब लोग निकलते हैं इंजॉय करने के लिए, तो उस दिन तो मतलब अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चीज़ें प्रेफर करनी है। लाइक आपको तब मज़ा आता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है हर जगह, तब आप ज़्यादा इन्जॉय करते हो, या आप इन्जॉय करते हो जब कम लोग होते हैं। अगर आप कम लोगों वाले में इन्जॉय करना चाहते हो, तो आप वीकडेज़ पर जाइए, भीड़ होती है पर उतनी नहीं होती जितनी आपको वीकेंड पर मिलेगी। वीकेंड पर बहुत पैसा, हमारा पूरा सीपी भरा होता है।
और सीपी इतना प्यारा लग रहा है। एक्चुअली सीपी इज फेमस, ये एक तरह का टूरिस्ट प्लेस भी है, दिल्ली का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। इसको जाना जाता है इसके आर्किटेक्चर के लिए। ये एक्चुअली जो इसका जो राउंड शेप है वाइट कलर का, इसके लिए ये बहुत फेमस है और इसकी खूबसूरती भी यही है। सीपी ना तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन सर्कल में डिवाइडेड है, इनर, मिडल और अपर सर्कल, आउटर सर्कल। तीनों ही सर्कल जो है फुल है ब्रांड्स के साथ। और ये अब हम लोग ने कार पार्क कर दी और हम जा रहे थे अपने रेस्टोरेंट की तरफ, आर्डर 2.1। यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है यहाँ पे कितने सारे स्टोर्स हैं उनके। यहाँ पे आपको बुक स्टोर्स मिलेंगे और साथ ही साथ स्ट्रीट मार्केटिंग यहाँ पे भी होती है। जैसे कि आपको इयरिंग्स वगैरह पसंद है, की चेन वगैरह पसंद है, बुक्स लवर हो आप, डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए आपको, बच्चों के लिए जो खिलौने वगैरह होते हैं वो सब आपको स्ट्रीट पे आराम से मिल जाएंगे बेचते हुए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे। यहाँ पे हर तरह के ब्रांड आपको मिलेंगे, हर तरह के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। एक्चुअली स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ से एक शॉर्टकट मारा। स्वीट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, नॉर्डलैंड जो फेमस ब्रांड मैंने बताया ना कि आपको सिटी में सब कुछ मिलेगा। अगर आप कॉफ़ी लगो रहे हैं तो स्टारबक्स कॉफ़ी में आपको ज़रूर आना बनता है। एक्चुअली सब आ ही चुके होंगे यार, सब वेरी फेमस एंड ओल्ड थिंग नाउ। खतरा के यहाँ पे शोरूम है, कई सारी शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेगी, कई सारी, मतलब इट्स अ कंप्लीट शॉपिंग डेस्टिनेशन जहाँ पे आप इंजॉय भी करोगे। बीच में आपको ब्रेक चाहिए तो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाके चिल मार सकते हो। यहाँ पे सारा बंदोबस्त है, सिटी इज इट्सेल्फ कंप्लीट बिजनेस हब है यार हमारे दिल्ली का ये। और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट आउटडोर 2.1 में। इट्स अ बार एंड रेस्टोरेंट और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं एंटर। एक्चुअली कोरोना है तो फिर प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे ना। अब वैसे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी होंगे सब मास्क में होंगे। एक्चुअली दिल्ली इज लिटिल स्ट्रिक्ट और होना भी चाहिए यार, जिंदा है तभी तो सब कुछ है यार। यहाँ पे हमने खुद को सैनिटाइज वगैरह किया, भाई ने वहाँ पे एंट्री करवाई कि हम कितने लोग हैं और उसके बाद हम अंदर गए। अरे आपको आपको लिटिल डेमो मिल जाएगा हमारी बाहुबली थाली का, उन्होंने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगा रखे हैं। एक्चुअली इट्स वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस। ये रही हमारी बाहुबली थाली, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लगा रखा था। और ये है वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट थाली, छोटी सी प्यारी सी। तो यहाँ पे आपको आने से पहले एक आइडिया हो जाएगा और लगभग आई कैन से कि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो मोस्टली ना थाली ही ऑर्डर करते हैं। आउटडोर इज़ फेमस फॉर इट्स थाली। कई दो तीन प्रकार की यहाँ पे थालियाँ होती है, बाहुली थाली होती है और भी होती है, आई थिंक वैदिक थाली होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है यार, कितनी भीड़ है यहाँ पे। मतलब हमें टेबल भी नहीं मिल रहा था, बट एक्चुअली भाई ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था टेबल, तो हमारे लिए एक टेबल था वहाँ पर किचन के पास में, हमारा एक टेबल अवेलेबल था। यू कैन सी सैटरडे था यार, सैटरडे तो होती ही भीड़ है। तो ये वो हमारा टेबल है जो एक हमारे लिए बचा हुआ था, बाकी पूरी बुक है और ये जस्ट किचन के पास में ही है। ऐसे आप देख सकते हो किचन में क्या क्या बन रहा है टेस्टी सा। Finally, we are in order 2.1 for our Bahubali Thali. And he is the host of this party. Yes, I am the host. And
these are my guests. That is the host of the party. और यहाँ पे बच्चों की मस्तियाँ चालू. इसको सिखा दो. बोलो ऐसे करना है, बता दो. यहाँ पे सैम है एक्साइटेड. इट्स मी. अब जब तक खाना नहीं आ रहा था हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा पिक्चर सेशन हो जाए भाई. फोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं. हम लोग बैठे एडजस्ट हुए. उसके मेन्यू हमने देखा बट हमारा माइंड तो पहले से ही था यार कि हम तो भाई थाली लेंगे, अपनी बाहुबली थाली लेंगे. हम पांच हैं. यहाँ पे वेटर ने हमें बताया अगर मतलब कि चार लोग हो तो उसमें चार ही लोग शेयरिंग है, पांच लोग शेयरिंग नहीं है. ठीक है चलो तो वही ले आओ. बाहुबली थाली ला दो. आपका स्टार्टर स्वीट और जो ड्रिंक्स होगी पाँच जने के हिसाब से बन जाएगा. बाकी जो मेन कोर्स होगा वो रिफिल होगा. एक्चुअली अगर उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी तो मैं आपको बता देती हूँ. ही सेड थाली इज़ मेड फॉर फोर पीपल, इट इज़ सफिशियंट फॉर फोर पीपल ओनली. ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा है जैसे कि हम पांच थे तो आपको थाली में पांच लोगों का सब कुछ मिलेगा. एंड ये हमारी थाली आ चुकी है, उसके लिए आपको 1/4 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा. और काफ़ी रीजनेबल, मतलब 2600 में आपको इतनी बड़ी थाली मिलती है. रिफिलिंग इज फ्री. आपको अगर आपकी कोई ऐसी सब्जी वगैरह है जो ख़त्म हो जाती है एक्सेप्ट स्टार्टर्ड, आप सब बाकी जो है वो रिफिल करा सकते हो. बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है यार. यू विल नॉट बिलीव कि हमारा ना मतलब हम पूरे पांच लोग मिल के पूरी थाली ख़त्म भी नहीं कर पाए थे. कुछ एक चीज़ें रह ही गई थी आइटम. इतना मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया है हमने. और टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट वॉज अमेजिंग, डैम अमेजिंग. मतलब वी आर ऑन फिनिश. चीज बता रही हूँ, बाहुबली थाली के लिए कुछ भी हो, बाहुबली आए हैं हमारे और इन्होंने खत्म किया है. एंड ही इज द बाहुबली. और अब हमारा जो खाना पीना हो गया था, हम रेस्टोरेंट से बाहर आए, इतना खा लिया था प्यास चला भी नहीं जा रहा था. उसके बाद हम आए फायर पैन के लिए. हमने सोचा कि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे भाई फायर पैन. हमने इससे पहले ट्राई नहीं किया था, और भी तो ट्राई तो बन रहा था. तो सबने वन बाय वन ट्राई किया, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है यार. थोड़ा सा डर भी लग रहा था. मुंह तो खोलो, धुआं आएगा मुंह तो खोलो. खाने के बाद फायर पैन खाने के बाद ना सबके मुँह का टेस्ट खराब हो गया था क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कपूर डाला हुआ था ना. उसके बाद हमें चिल मारने के लिए एक एक नॉर्मल मीठा पान दिया और फिर हमने इंजॉय किया. ये सैन यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके मुंह से धुआं निकले. मिठाई है ना, खा लेंगे लड़की लोग. ये हमारी भाभी का टर्न आया. शी वाज एक्साइटेड आल्सो, बट खाने के बाद यार क्या खिला दिया, क्या खिला दिया. उनका पान तैयार हो रहा है यहाँ पे. सब जानते हैं ये सब वीडियो वगैरह बनाने के लिए है. मेरा है, मेरा अब कर रहे हमारे भैया का. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. उन्होंने कहा कि हमें खाने खाने एक बार ट्राई करना ही है यार. फायर पान कुछ खाने के बाद यार नॉर्मल पानी पिला दो यार.
और उसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए। अगर आपको मेरी